बहुत ही ज्यादा संगीन था, बहुत ज्यादा एक्शन पैक था। और यहाँ पे डे 7 पोस्ट 4 मैच 4 के स्टैंडिंग्स आ चुके हैं। टीम फनाटिक जो आज फिलहाल रेस्ट पे थी वो नहीं खेल रही, 20th पे, 19th पे वी हैव टीम डेड आइज गाइस, 18th पे टीम शानमारा की स्क्वाड, 17th पे टीम INES की स्क्वाड, 16th पे टीम तमिलास की स्क्वाड, 15th पे टीम पावर हाउस की स्क्वाड, 14th पे है टीम ऑरेंज रॉक की स्क्वाड, 13th पे टीम INDI की स्क्वाड, 12th पे टीम PSG क्रॉलर्स की स्क्वाड, 11th पे टीम TSM NTT की स्क्वाड। बट इसके बाद हम लोग को देखने को मिलेगा जिसके लिए आप सभी इंतजार कर रहे हो, टीम एलिमेंट्रिक्स को जीतते हुए, क्योंकि यस हम लोग यहाँ से देख रहे हैं और आई कैन अंडरस्टैंड जो यू नो खुशी, जो प्राउडनेस टीम एलिमेंट्रिक्स के प्लेयर्स और उनके यू नो देशवासियों की तरफ से हो रहा होगा, दैट आई कैन इमेजिन। एंड हियर आर योर विनर्स ऑफ डे नंबर 7 एंड दैट इज गोइंग टू बी टीम एलिमेंट्रिक्स। तो फिर से गाइज एक बार टीम एलिमेंट्रिक्स ओपी इन द चैट कर दीजिए। 9 ना सिर्फ ओवरऑल स्टैंडिंग्स में फर्क आएगा बल्कि जैकपॉट स्टैंडिंग में भी फर्क आएगा, तो वो एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड होगा। एंड यस एज यू कैन सी मार्कोस गेमिंग को यहाँ पे मिलेगा चिकन डिनर, हमारा ओवरऑल जो चिकन डिनर था $700 का वो मार्कोस गेमिंग ले जाएगी। एलिमेंट्रिक्स को 700 की जगह अब $200 से ही खुश रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ बाकी सारी जो चीजें है वो यहाँ पे सेम रहने वाली है, मेगा स्टार्स को अभी भी $100 मिलेंगे बट उनके लिए जैसा हम कह रहे थे ये लोग कुछ ना कुछ तो लेकर जाएंगे, और बाकी सारी जो स्टैंडिंग्स है वो सारी की सारी बिल्कुल सेम रहेगी। तो टर्न अराउंड स्विच यहाँ पे ओवरऑल में सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन का ही हुआ है। Yes, और यहाँ पे काफी जितने भी यहाँ पे नेपाल के दर्शक है उनके काफी ज्यादा दिल टूटे, क्योंकि वही है क्योंकि हमने देखा उन्होंने बहुत अच्छा खेला बट लास्ट का जो छोटे मोटे यहाँ पे ग्लिचेस का फायदा उठाते हैं दैट इज कम्प्लीटली नॉट अलाउड। एंड इवन पबजी मोबाइल भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करती कि अगर आप उसको यूज करके उसका फायदा उठा के आप गेम में आगे बढ़ो। तो यस काफ़ी पहले फैंस जो है हमारे चैट में लिख रहे थे कि FPP यूज़ करा बट दैट वाज नॉट द केस, FPP कम्प्लीटली अलाउड है। आप TPP मोड में आप FPP स्विच कर सकते हो जो आप कोई भी प्रकार का फाइट्स ले रहे हो या फिर पूरा गेम भी आप अगर चाहो तो FPP मोड में स्विच करके खेल सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली अलाउड। बट टेक्निकल चीज़ें जो है जैसे स्मोक ग्लिच का इस्तेमाल करना, क्योंकि वहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिल जाता है, एक अनड्यू एडवांटेज, क्योंकि आगे आपके सामने वाला जो प्लेयर है वो डिसएडवांटेज में जाता है और आपको एक फेयर मतलब एक अनफेयर एडवांटेज वहाँ पे मिल जाता है, और उसका इस्तेमाल टीम एलिमेंट्रिक्स ने किया और ये यहाँ पे लास्ट गेम पे उन्होंने चिकन डिनर लाया, तो उसमें उसका एक बहुत बड़ा योगदान रह गया और जिसके कारण यहाँ पे ऑफिशियल्स ने डिसाइड करा कि उनको इस गेम के जो सारे पॉइंट्स हैं उनका वो डिस्क्वालिफाई कर दें। तो इसी के साथ आज एक बहुत ही अनइवेंटफुल एंडिंग हुआ बट नेवरदलेस यहाँ पे टीम